न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आखिरकार क्यों मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पा रही है, ये सवाल हर कोई पूछता हुआ नजर आ रहा है, खास तौर पर मनीष सिसोदिया की बीमार पत्नी सीमा सिसोदिया। इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया, जिनकी गिरफ्तारी दिल्ली के आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है, वो वाकई में करोड़ों का घोटाला कर चुके हैं। इस बात को लेकर ईडी, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट तीनों में अपनी दलीलें रख चुकी है, कई चार्जशीट यहां पर दाखिल की गई है, लेकिन क्या वाकई में मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलनी चाहिए? जब ये सवाल सामने आता है तो ईडी जमानत का विरोध तो करती है, लेकिन एक बार फिर वही तमाम दलीलें हर अदालत में देती हुई बार बार नजर आती है। अब आखिरकार मनीष सिसोदिया की जमानत ना मिलने को लेकर आम आदमी पार्टी क्यों चुप्पी साधती हुई नजर आ रही है, ये बेहद बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल जो लगातार मनीष सिसोदिया को लेकर अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे थे, मांग करते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें रिहा किया जाए, अब वो खामोश हो चुके हैं। क्या अरविंद केजरीवाल समझ चुके हैं कि मनीष सिसोदिया ने यह घोटाला किया है, और अगर ईडी कह रही है कि वो भ्रष्टाचारी है, उन्होंने घोटाला किया है, तो शायद उसमें कोई सच्चाई होगी। लेकिन इस बात को मानने से इनकार करती हुई नजर आ रही है दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए आतिशी सिंह और राघव चड्ढा से कई सवाल पूछे गए, और सवालों के बीच जब मनीष सिसोदिया का जिक्र हुआ तो आतिशी ने बताया कि क्यों 10 महीनों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका हर अदालत में खारिज की जा रही है। आतिशी ने साफ तौर पर कहा कि जिस कानून के तहत मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, आखिरकार उस कानून को क्यों बनाया गया और उसे बनाने के पीछे क्या मकसद किया था। यहां पर आतिशी ने साफ तौर पर कहा कि जो पीएमएलए कानून बनाया गया है, वो इसलिए बनाया था ताकि देश का पैसा जो है वो देश से बाहर ना जा सके, किसी भी तरह की जो आतंकी गतिविधि है उसमें इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन आज देखा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और जो ये पूरा पीएमएलए एक्ट है, इसे विपक्ष के नेताओं की शक्तियों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है, तब से वे लगातार अलग अलग तरीके से इन कानूनों का दुरुपयोग कर रही है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। यह आतिशी ने साफ तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि जब भी किसी विपक्षी दल के नेता पर इस तरह की कार्रवाई होती है, उसके खिलाफ कई मामले अचानक से निकलकर सामने आ जाते हैं, कई घोटालों में उसका नाम सामने आ जाता है, लेकिन जब वो नेता विपक्षी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेता है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है, वो नेता उसमें पूरी तरह से धुल जाता है और उसके ऊपर लगे सारे आरोप हट जाते हैं। आतिशी ये बात पहले भी कई बार कह चुकी है, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने एक न्यूज चैनल के सामने जब ये बात कही तो सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी ज्यादा बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। अपने बयान में आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का नाम तक ले डाला। ऐसे में क्या वाकई मनीष सिसोदिया को जमानत ना मिलना कोई बड़ी राजनीतिक साजिश है, जिसका जिक्र बार बार आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।